तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली और मम्मी हॉरर स्टोरी के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था, एक मम्मी चुन्नी को गोद में लेकर आता है और फिर उसे ताबूत के अंदर बंद कर देता है। चुन्नी को ताबूत के अंदर बंद करता हुआ रॉड देख लेता है। रॉड रोते रोते कहता है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, उसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। रॉड को रोता देख आलोक को गुस्सा आ जाता है और आलोक गुस्से में कहता है, अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी चुन्नी को बचाइए, उसकी जान खतरे में है। अरे ये क्या, बाबा तो उठ ही नहीं रहे हैं, बाबा तो रेड क्रिमिनल के कहने पे बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आलोक की बात सुनकर सोहन पीछे घूमता है और बाबा से कहता है, बाबा नाटक बहुत हुआ, आप उठ भी जाइए। नाटक वाली बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा आप नाटक करना बंद कीजिए, जल्दी चुन्नी को बचाइए, उसकी जान खतरे में है। रेड क्रिमिनल की ये सारी बातें सुनने के बाद भी बाबा नहीं उठते हैं। तभी एक मम्मी रेड क्रिमिनल की तरफ देखता है और कहता है, अब ये तुम्हारा बाबा कभी नहीं उठेगा, मुझे लगता है कि अब ये बूढ़ा इस दुनिया में नहीं रहा। मम्मी की ये बात सुनते ही सोहन दौड़ते हुए बाबा के पास जाने लग जाता है और सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये मम्मी क्या कह रहा है। आलोक गुस्से में मम्मी से कहता है, अरे ओ मम्मी, तू बाबा को नहीं जानता, बाबा अभी फिर से उठेंगे और तुम सबकी बैंड बजा देंगे, तुम लोग चाहो तो अभी भाग जाओ। रेड क्रिमिनल कहता है, तुम ठीक कह रहे हो आलोक, बाबा भी फिर से उठेंगे और इन लोगों की पुंगी बजा देंगे। ये सारे मम्मी शायद बाबा के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं और बाबा ने ना जाने कितने सारे मॉन्स्टर और भूतों को मारा है। अभी बाबा उठकर इन सारे मम्मी को ताबूत के अंदर ही गड़ देंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं। रेड क्रिमिनल ये सब कह ही रहा होता है तभी सोहन कुछ सोचने लग जाता है। सोहन गुस्से में आकर बाबा को एक चांटा लगा देता है। सोहन की हाथ से चांटा पड़ते ही बाबा को होश आ जाता है। बाबा होश में आते ही सोहन को गुस्से में देखने लग जाते हैं और बाबा सोहन से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो सोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की। बाबा गुस्से में सोहन को बहुत बुरा भला कहते हैं। सोहन चुपचाप डरा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। बाबा को सोहन के ऊपर गुस्सा करता देख गुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा इसमें सोहन की कोई गलती नहीं है, सोहन ने तो इस मम्मी के कहने पे आपको चांटा मारा है। गुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा गुस्से में मम्मी की तरफ देखते हैं। मम्मी कहता है, अरे वो बूढ़े बाबा तू मुझे घूर क्यों रहा है, तू मुझे खा जाएगा क्या। ये बोलकर मम्मी जोर जोर से हंसने लग जाता है। मम्मी बाबा से कहता है, अरे तू क्या बचाएगा अपने लोगों को, तुम तो मेरे हाथों से पीटे बिना ही बेहोश हो गए, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मम्मी की ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और बाबा उठकर खड़ा हो जाते हैं। बाबा की इससे ज्यादा बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। सोहन बाबा से कहता है, बाबा आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी दिखा दीजिए अपना पावर इस मम्मी को। अरे ये क्या, ये मम्मी तो बाबा से डर ही नहीं रहा है, लगता है इसकी कुटाई आज बाबा के हाथों से लिखी है। बाबा जरा संभल कर, ये मम्मी बहुत बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं इसे पटक पटक कर मारूंगा। और फिर बाबा और मम्मी की फाइट शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बाबा ने तो मम्मी को किक लगा दिया। अरे नहीं, ये मम्मी तो बहुत स्ट्रांग है, इसने तो बाबा को ही उड़ा दिया। मम्मी बाबा से कहता है, क्यों कैसी रही, मजा आया ना, बड़े आए थे मुझसे लड़ने, तुम सारे के सारे लोग मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगे, तुम लोगों ने क्या सोचा था, यहाँ आकर हमें मारकर अपने दोस्तों को बचाकर लेकर चले जाओगे और हम लोग तुम लोगों को जाने देंगे। अपने बॉस की ये सारी बातें सुनने के बाद पिरामिड के ऊपर बैठा हुआ मम्मी भी हंसने लग जाता है। मम्मी को हंसता देख गुल्ली बुल्ली रॉड आलोक और स्काइलर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सोहन गुस्से में मम्मी से कहता है, अरे ओ मम्मी दम है तो मुझसे लड़कर दिखा, मैं तुम्हारी सारी पट्टियाँ खोलकर हड्डियाँ बाहर निकाल दूंगा। सोहन की ये बात सुनकर मम्मी सोहन की तरफ देखने लगता है और फिर मम्मी सोहन के ऊपर हमला करने के लिए सोहन की तरफ जाने लग जाता है। सोहन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना मुंह छिपा लेता है। तभी वहाँ पे अचानक से बाबा आ जाते हैं और बाबा मम्मी को किक लगा देते हैं। बाबा की किक पड़ते ही मम्मी को नानी याद आ जाती है। मम्मी को बाबा के हाथों से पीटता देखकर सोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक मम्मी को पीटता देखकर दूसरा मम्मी सारे मम्मी को एक साथ हमला करने के लिए कहता है। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो बाबा को चारों तरफ से घेर लिया है और बाबा के ऊपर सारे मम्मी एक साथ हमला कर रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक बार में ही सारे मम्मी को सुला दिया। गुल्ली कहता है, वाह बाबा मजा आ गया, अब हम लोगों को भी यहाँ से बाहर निकालिए। बाबा गुल्ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग इतने हट्टे कट्टे इस छोटे से पिंजड़े के अंदर बंद होकर क्या कर रहे हो, चलो तोड़ दो इस पिंजड़े को और बाहर आ जाओ। रॉड कहता है, बाबा हम लोग इस पिंजड़े को नहीं तोड़ सकते, ये बहुत स्ट्रांग है। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, स्ट्रांग हुआ तो क्या हुआ, तुम लोग उसे तोड़ सकते हो, एक बार कोशिश करके देखो। और फिर बाबा चारों क्रिमिनल्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम लोग खड़े होकर क्या कर रहे हो, दौड़ा दौड़ा कर मारो इन मम्मी को। बाबा के इतना कहते ही सारे मम्मी अपने अपने जान बचाकर भागने लग जाते हैं और इधर रॉड बाबा के कहने पे पिंजरे को तोड़ने में लगा हुआ है। अरे ये क्या, रॉड ने तो अपने पावर से पिंजरे को तोड़ ही दिया। इधर रेड और ब्लू क्रिमिनल एक मम्मी के पीछे पड़े हुए हैं।
अरे ये क्या सोनी, ये क्या कर रहा है? अरे सोन ने तो मम्मी का फ्यूज ही उड़ा दिया। सारे मम्मी को पीटने के बाद ये सारे लोग ताबूत के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा रॉड को ताबूत खोलने को कहते हैं। रॉड कहता है, बाबा मैं इस ताबूत को नहीं खोलूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कहते हैं, अरे पागल देर क्यों कर रहे हो, जल्दी चुन्नी को इससे बाहर निकालो, देखो चुन्नी ठीक है भी या नहीं। रॉड ताबूत के ढक्कन को धीरे धीरे खोलने लग जाता है। ताबूत के ढक्कन खुलते ही, अरे ये क्या, चुन्नी तो इस ताबूत के अंदर बिल्कुल सही सलामत एक मम्मी के साथ सोया हुआ है और इसने तो सारे लोगों को डरा ही दिया। रॉड कहता है, देखा बाबा आपने, हम लोग कितने टेंशन में हैं और ये यहाँ पे मस्ती कर रहा है। बाबा चुन्नी को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की ऐसी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।